हृदय विशाल है। धर सा है बलि और काल का भी काल है। पात्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारा दुखा गदाधर महाबली उद्विष्ट भक्ति का ये लाल है। सहदेव, अर्जुन, अर्जुन, भीम, सहदेव, अर्जुन, भीम, सहदेव, 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 अर्जुन, भीम, सहदेव, भीम, आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। नहीं माता, जेष पिता ने कुछ नहीं किया, वो हमारे पीछे मन में आ गए। हाँ, जानते हैं हम, और आपको इसका दंड भी मिलेगा। ये हमारी कृपा है, हमें इन पर ध्यान नहीं दिया, आपके आगे का उल्लंघन हो गया। नहीं माता जी, जेष पिता को कोई दोष नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे कारण यहाँ आ गए। बीना दीदी सदैव हमारी प्रेम पर आपत्ति जताती है। चलिए ठीक है, आप ही अपनी इच्छा से बांध दीजिए। बीन, उठो, चलो हमारे साथ। बैठो यहाँ, बैठो। मैं से कैसी नियति की नियति है ये अतिक्रमण सा बालकपन। नीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम महाबली भीम। नीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम महाबली। नहीं माता जी, मैं तो अर्जुन से ही कह रहे हैं माता जी, भीम दादा को छोड़कर हम नहीं जाएंगे माता जी। भीम दादा को माताश्री रखो अपना हाथ। माताश्री, अगर भीम ऐसी गलती वापस करे तो आप इन्हें जब से मार दीजिएगा। नहीं माताश्री, इन्हें मत मार दिए। अरे वाह, अद्भुत प्रेम है पांचों भाइयों में। चारों के चारों उठ खड़े हो गए। जब ये उत्पात करता है, आज आप चारों का भी यही दंड है।
कि आप पूर्ण दिवस भीम के साथ व्यतीत नहीं कर पाए। प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भाव। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। हम तो स्वयं महाराजा पांडु के दर्शन हेतु जा रहे थे। आपकी अत्यंत कृपा हुई ऋषिवर। आज आप इन बालकों के साथ यहाँ वन में, कोई विशेष कारण? लगता है इन बालकों की दैनिक शिक्षा प्रारंभ हो गई। जी ऋषि। अति उत्तम। बालकों की सर्वप्रथम गुरु उनकी माता ही होती है। वैसे तो ये बालक भगवान का अंश है, परंतु सांसारिक शिक्षा की आवश्यकता इनको भी है। ये बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें एक नहीं अपितु दो दो कुलीन और सुभ्रांत माताएं मिली हैं। आप अपने पद पर जाइए, हम महाराज पांडु से मिलकर भेंटवार्ता करते हैं। प्रणाम। सौभाग्यशाली भाव। सौभाग्यवती। इनके साथ तो चार ही बालक थे, भीम को लेकर नहीं आए। हो सकता है भीम को महाराज पांडु की सेवा में छोड़कर आए। असीम महाबली भीम महाबली भीम महाबली।
करो बल का बंधन क्या, ये शिला मेघ का लंघन क्या, नन्हे नन्हे चरणों से भीम चले भोजन जुगत बिठाने को, शिला पाठ उठा कर कंधे पे आतुर व्यातुर से खाने को, कैसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, ये अतिक्रमण सा बालकपन, धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम, महाबली भीम, धीरज के घन बल भी असीम महाबली भीम, महाबली भीम। महाराज पांडु, ऋषिवर आप बड़ा आयुष्मान भव। मेरा जी, मैं जल लेकर दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी माताओं और भ्राताओं के साथ गया होगा। किंतु कुंती और माधुरी के साथ हमने अन्य चार बालकों को देखा, पर भीम दिखाई नहीं दिया। भीम की स्वयं की ही लीलाएं चलती रहती है, वो या तो आगे दौड़ रहा होगा या कहीं छिपा होगा। बहुत ही अद्भुत बालक है ये हमारा भीम। संभवत हमें ऐसा लगा कि आज वो आपकी सेवा में उपस्थित। नहीं नहीं, उनकी माताएं उन्हें वन में जीवन यापन की गतिविधियां सिखा रही, वो साथ साथ ही होंगे। आप विचार कौशल अध्यात्म के रुचिकर और धर्म परायण राजा, इस वन में अनेक राजा रानियां राजकुमार आए, यद्यपि हमें किसी का भी स्मरण नहीं, परंतु आपके विचार और व्यवहार से न केवल मैं बल्कि समस्त मनिगण अति प्रसन्न है। मैं आपको अपने अंतःकरण से आशीर्वाद देता हूं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। ऋषिचार, आप हमारे लिए पिता तुल्य। इस वन में ज्ञान और भक्ति की महिमा हमें आप ही से ज्ञात हुई है। आपका प्रेम अतुलनीय है। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भीम कहाँ गया? महाराज भीम कहाँ गया? हमें कैसे ज्ञात होगा? वो आप ही के साथ होगा। महाराज, हम उन्हें यहाँ पर बांध के गए थे पत्थर से। क्या? पत्थर से बांधकर? माता श्री, हमने कहा था भीम प्रातः को यहाँ पर पत्थर के साथ मत छोड़ी, अब देखिए। मैं प्रारंभ से ही ज्ञात कि अवश्य ही भीम की कोई लीला हो। Thank you.
बोलते क्यों नहीं? कहां गए थे? भीम, हम आपसे पूछ रहे थे, आप कहां गए थे? प्रभु श्री राम की अद्भुत कृपा दृष्टि है हमारे परिवार पर। यहां वन में प्रतिकूल स्थितियां होने पर भी श्री हरि ने हमें कभी कोई कष्ट होने नहीं दिया। एक सुखमय वातावरण और पारिवारिक प्रेम का सागर हमें दे दिया। परंतु बस एक ही बात की चिंता हमें सताई जाती है, भीम, हमारा पुत्र भीम न जाने क्यों ऐसे कृत्य करता रहता है जो उसके अनुकूल नहीं है। एक बालक को बालक के समान ही कार्य करना चाहिए, परंतु भीम उसके बारे में सोचकर ही हम चिंतित हो जाते हैं। वो भविष्य में अपने चारों भ्राताओं के साथ कैसे तारतम्य बैठा पाएगा, हमें समझ ही नहीं आता। उसे डांटे या समझाए, क्या करें हम उसके साथ? आपको हमें सताना अच्छा लगता है क्या भीम? हम आपकी माता हैं। पुत्र का कर्तव्य होता है अपनी माता की सेवा करना, परंतु आप तो बस अपने नटखटपन का आनंद उठाते हैं। पर इसकी जो पीड़ा होती है वो तो हमें होती है। आपको क्या आता है तो ठीक, तो फिर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बस आपसे रूठ जाएं। माता, मत रूठिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप रूठ गए तो हम भी रोने लगेंगे। भीम, हमने कहा ना हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, करते रहो हमें आहत। माता, मान जाओ ना, अब से हमें कोई भी कार्य नहीं करेंगे, सबको दुख पहुंचे। अब तो मान जाओ। भीम, बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, परंतु आप हमें पीड़ा पहुंचाने के सिवाय कोई कार्य नहीं करते। आपने कभी सोचा है भीम, आपकी माता वन में लकड़ियां तोड़ने जाती है, तो उनकी सहायता कर दो। आपकी माता जल भरने जाती है, उनके साथ चले जाए। सोचा है भीम, अब आप बालक नहीं रहे, बड़े हो गए हो। ऐसे छोटे बालकों के समान अपनी माता को सताना छोड़ दो भीम। दीदी, दीदी उठिए। क्या हुआ?
दीदी भीम कहीं दिख नहीं रहा है, लगता है कहीं चला गया। इससे मैं कहाँ गया होगा? हो सकता है महाराज पांडू के साथ नदी पर स्नान करने गया हूँ। किंतु ये धोनी कैसे थी दीदी? भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं।